नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ब्लॉग अनूप ब्लॉग्स में। और आज है हमारे साथ मारुति की सेलेरियो और यह है जेड एक्साइव वेरियंट में और आती है AGS के साथ यानी ऑटो गियर शिफ्ट। तो आइए देखते हैं गाड़ी का फ्रंट। तो यहाँ पे आपको कुछ हेक्सागोनल शेप का ग्रिल मिलता है और बीच में मिलता है मारुति सुजुकी का लोगो। आइए देखते हैं गाड़ी का हेडलाइट। तो ये है आपको हेलोजन बल्ब में आता है दोस्तों, इंडिकेटर भी हेलोजन में आता है। और ये बम्पर देख रहे हैं आप जैसा, ये भी आता है हेक्सागोनल शेप में। और इस गाड़ी में आपको कोई भी फॉग लैंप आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। ZXi वेरिएंट होने के बावजूद आपको इसमें एडिशनल लगवाना पड़ेगा। मैं आपको फिर से एक बार गाड़ी का फ्रंट दिखा देता हूँ। ये गाड़ी दिखने में काफ़ी छोटी और प्यारी सी लगती है। तो आइए आप देखते हैं गाड़ी का साइड प्रोफाइल। तो ये है गाड़ी का साइड प्रोफाइल और आइए देखते हैं टायर। तो इसमें आपको मिलेगा 165/70R14 इंच के व्हील मिलेंगे दोस्तों आपको। और ये आता है आपको स्टील व्हील में। और ये आप देख रहे हैं ये बॉडी कलर ORVM, इसमें आपको टर्न इंडिकेटर यहाँ पे मिलेगा। और ये डोर हैंडल आप देख रहे हैं, ये सब एडिशनल क्रोम है दोस्तों यहाँ पे एक्सेसरीज के रूप में। तो आइए आप देखते हैं गाड़ी का रियर प्रोफाइल। तो ये है सेलेरियो का रियर प्रोफाइल। यहाँ पर आपको मिलेगी मारुति सुजुकी के लोगो और यहाँ पे मारुति सुजुकी की बैजिंग। और ये आपको यहाँ पे सेलेरियो की बैजिंग। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ZXi वेरिएंट है ये और AGS के साथ आता है यानी ऑटो गियर शिफ्ट। और पीछे में आपको मिलेगा रियर वाइपर और वाशर। तो आइए अब देखते हैं गाड़ी का बूट। और ये है सेलेरियो का बूट। और यहाँ पे आपको एक हुक मिलता है और ये आता है दोस्तों, बूट स्पेस है आपको 235 लीटर का। और यहाँ पे आपको मिलता है पार्सल ट्रे, इसमें आप हल्की फुल्की सामान रख सकते हैं। और ये है सेलेरियो का फ्यूल लीड और ये फ्यूल कैपेसिटी है, इसमें आपको मिलेगी 35 लीटर की। और ये गाड़ी आपको रियर में आपको ड्रम और फ्रंट में डिस्क मिलेगा। तो आइए अब चलते हैं इंजन की तरफ। तो ये है KTN इंजन जो कि है 1000 CC का और ये प्रोड्यूस करता है 67 BHP ऑफ पावर और 90 Nm ऑफ टॉर्क। और ये इंजन है 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। तो आइए अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है देखने को। तो हम आ चुके हैं अब गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे आपको मिलता है सर्कुलर स्टेयरिंग व्हील और बीच में है ये क्रोम फिनिश का सुजुकी लोगो। यहाँ पे आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलेंगे और ये गाड़ी में आपको सिर्फ एक एयरबैग जो कि ड्राइवर है एयरबैग आपको यहाँ पे मिलता है। अब बढ़ते हैं गाड़ी के डोर की तरफ। तो यहाँ पे आपको कुछ सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा और ये है 4 पावर विंडो, यहाँ पे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं ORVM, देखिए आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं जैसा देख सकते हैं आप। अब बढ़ते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड की ओर। तो ये आता है आपको डुअल टोन में जो कि ब्लैक और बेज कलर में आता है। और ये आपको मिलता है यहाँ पे ग्लव बॉक्स जो कि ठीक ठाक शेप में है, जगह आपको काफ़ी इसमें मिलेगी। और ये है गाड़ी का सर्कुलर AC वेंट और यहाँ पे आपको फोर ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर्स मिलेंगे और सेंटर में आपको लाइट मिलेगी।
लाइट, और ड्राइवर साइड में आपको कोई भी वैनिटी मिरर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो अब चलते हैं गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की ओर। तो ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है यही आपको देखने को मिलेगी डिज़ायर और स्विफ्ट में। बात करें एसी की तो ये आता है आपको मैनुअल एसी, इसमें मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलता है रियर डिफॉगर। आते हैं नीचे तो यहाँ पे आपको ये यूएसबी और ऑक्स के कंट्रोल मिलेंगे, और यहाँ पे आपको और एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कुछ कवी होल दी हुए हैं जो यहाँ पे आप टोल रिसिप्ट यहाँ पे से रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं गाड़ी की गियर बॉक्स की ओर। तो ये है 5 स्पीड AGS गियर बॉक्स, और नीचे है यहाँ पे आपको देखने को 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, और ये है गाड़ी का हैंड ब्रेक, क्योंकि बीच में यहाँ पे हल्की सी आपको क्रोम फिनिश में आती है। तो अब आइए हम बात करते हैं गाड़ी की MID की बात करते हैं। अब देखते हैं MID में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये है सेलेरियो का MID, इसमें आपको मिलेगा एनालॉग में टैकोमीटर और स्पीडोमीटर, और करते ही इग्निशन को ऑन तो डिजिटल में आपको यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल एवरेज, टेम्परेचर, टाइम और फ्यूल मीटर आपको यहाँ पे डिजिटल पे मिलता है, और यहाँ से आप ट्रिप मीटर सेट कर सकते हैं, ट्रिप AB, और ये टोटल किलोमीटर्स, और राइट बटन से आप यहाँ पे इसकी एवरेज रेंज देख सकते हैं, रियल टाइम एवरेज आपको और रेंज यहाँ पे दिखाता है। तो आइए अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पे, देखते हैं वहाँ पे आपको कितना स्पेस देखने को मिलता है। तो हम आ चुके हैं अब गाड़ी के रियर सीट पे। तो यह है लेग रूम, जो कि है मिनिमम लेग रूम, यह है आपको गाड़ी में मिलता है। और बात करें अगर मैक्सिमम लेग रूम की तो यह आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम लेग रूम। अब बात करते हैं हेड रूम की, तो हेड रूम मेरे लिए सफिशियंट है। अगर आप 6 से ऊपर हो तो शायद आपको परेशानी हो सकती है। और ये अगर बात करें डोर की तो ये आती है आपको फुल बेज कलर में, और यहाँ पे आपको मिलता है सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे आपको कप होल्डर मिलता है, जो कि 1 लीटर की बोतल आराम से ले सकती है। और ऊपर आते हैं तो ये आता है आपको ग्रैब हैंडल यहाँ पे आपको मिलेगा, और सेंटर में आपको यहाँ पे भी एक कप होल्डर मिलेगा। और ये अगर बात करें हेडरेस्ट की तो ये हेडरेस्ट है, ये फिक्स हेडरेस्ट है, यहाँ पे आपको एडजस्ट यहाँ पे करने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों करते हैं गाड़ी को ड्राइव, देखते हैं इसका इंजन परफॉर्मेंस कैसा है। तो जैसे ही आप गाड़ी में एक्सलेट करेंगे ये काफ़ी आपको पेपी परफॉर्मेंस देता है, पंची है, इनिशियल पंच इसका काफ़ी अच्छा है, और स्टेयरिंग भी ये काफ़ी एजाइल है, फीडबैक आपको अच्छी देती है। अगर आप गाड़ी अगर ज़्यादातर अगर सिटी में चलाते हैं तो सिटी परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ही सही रहेगा। और अगर आते हैं NVH की तरफ तो इंजन 3 सिलेंडर होने के कारण इंजन नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, उतना भी नहीं है, लेकिन अगर आप 2500 RPM के ऊपर जाइएगा तो आपको इंजन में नॉइज़ देखने को मिलेगा। और बात करें अगर सस्पेंशन की तो सस्पेंशन आपको काफ़ी सॉफ्ट है, तो सस्पेंशन वाइज आपको गाड़ी उतनी भी पसंद नहीं आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक की बात करें दोस्तों तो आपको इसमें मिलता है ABS, तो ABS की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, उतना बढ़िया नहीं है लेकिन ठीक ठाक काम कर लेती है ABS। और आते हैं गियर बॉक्स की तरफ, तो ये आता है AGS 5 स्पीड गियर बॉक्स, जो कि थोड़ा जर्की फील होता है आपको बीच बीच में गियर शिफ्ट में, पता आपको एहसास होगा कि हाँ ये गियर शिफ्ट कर चुकी है, तो जर्की फील है गाड़ी में। तो अब बात करते हैं इसकी ओवरऑल वर्डिक्ट की, कि क्या ये गाड़ी आपको आज 2020 में लेनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप ड्राइव करते हैं मेनली सिटी में और आपको गियर शिफ्टिंग करने में
मैनुअल कार चलाने में काफ़ी अगर आपको दिक्कत होती है तो ये अफोर्डेबल एक छोटी सी गाड़ी आपको सिटी के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। और अगर आप एस्प्रेसो की ओर जा रहे हैं तो मैं इसे ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा देखने को कि आप इस गाड़ी को ज़रूर एक बार ट्रायल करके देखें, आपको ये गाड़ी ज़रूर पसंद आएगी। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, और इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद।